बताओ कि अमृतसर में चाट कहाँ सबसे अच्छी मिलती है और गोलगप्पे। तो ये मैंने एक सैंपल चेक की है। बस इतने खाने थोड़ी ना, मैं दो अपने लिए अलग से निकाल दो। हम इतना सादा इंडिया देखते थे, एक बार क्या हुआ हमारे मुंबई वाले घर पे एक डायरेक्टर आए। हाँ, मैंने क्या निकाल रही है शूज में से। ये देखो ठंडा। अरे हेलो, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मम्मा रात के कितने बज गए? 11 बज गए। गोलगप्पे मांग रहा मनी। हाँ जी, ये देखो यहाँ कोई मार्केट लगाई हुई हमने कि यहाँ पे गोलगप्पे मिलेंगे, पर नहीं, हमारी किचन में कुछ भी मांग लो मिल ही जाता है। हिम्मत मम्मी की होती है, फिर चलो मिलके करने ही पड़ता है। मनी के पापा का ले जाती कोई हैव गजरेला खाने को। हाँ, ऐसे ही हम बोलते हैं बस दो मिनट दे दो। हम रात को आए नीचे तो मैं कहते साक्षी कुछ पीना है, मैंने कहा क्या पीना है, मैंने कहा इससे पहले कि ये बोले कि मुझे जूस चाहिए फ्रेश जूस, उसके पहले मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैंगो शेक लाऊं, कहते हाँ। कि ये ना हो ऐसी चीज मांग ली जो घर पे हो ना, फिर ना करने से अच्छा है पहले ऑप्शन दे दो। आज कह रहे हैं मेरा चाट पापड़ी खाने का मन कर रहा है, वो तो नहीं मिल सकती थी, फिर हमने मम्मी कह रहे हैं कि अभी गोलगप्पे की चाट बना लेते हैं। सारे होटल, सारे मॉल, सारी रेहड़ियां बंद हो जाती है, सिर्फ माँ की किचन बंद ही रहती है। बिल्कुल, इसी वजह से तो हमने मुंबई में किचन के बाहर लिखवाया हुआ है मम्मी का ढाबा, 24 आवर्स अवेलेबल। तो ये मैंने एक सैंपल चेक किया है कि तेल गरम हो गया है, गोलगप्पा हमारा गोल फूलता है कि नहीं फूलता ये देखते हैं। मनी के लिए कांजी तीखे वाली, देख गोलगप्पा लगा नजर लगी अंदर से थोड़ा सा। इसको क्या हो गया? हवा निकल गई इसकी। ये देखो मनी, जो आप चाटे लगाते हो, एक लेडी से चाटे लगाती है, आप भी लगाते हो? मम्मा लड़के ना ज्यादा चाटे लगाते हैं। वैसे सही बात बताऊं, गोलगप्पे की रेड़ी पे जितने लड़के दिखते हैं ना गोलगप्पे खाते हुए, लड़कियां नहीं नजर आती हैं। यार अमृतसर में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं मनी हमारे ना अमृतसर के, तो मैं उनसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि एक तो ये बताओ कि अमृतसर में चाट कहाँ सबसे अच्छी मिलती है और गोलगप्पे, क्योंकि मुझे गोलगप्पे खाए बहुत टाइम हो गया अच्छे वाले। विशाल मेगा मॉल के पास बहुत अच्छी चाट मिलती है। कहाँ पे बताएं? मुझे भी कमेंट ही में बोला था, मैं था। प्रॉपर बताना कहाँ पे, एड्रेस प्रॉपर बताना, तेल मेरा ज्यादा गर्म हो गया। माँ का जितना मर्जी दिल करे खाने को वो आज कर देती है, जब बच्चा को चीज मांगता है ना साक्षी मम्मा से ना गोलगप्पे बनवाने बंद कर, ये तो इंसान पहचान चढ़ जा रहे हैं। शुरू ही हो गया अपने लिए, मम्मा अपने पे तरस दिलवाई जा रहे हैं सबको। नहीं नहीं, ज्यादा तरस पता क्यों होना लोगों को इस बार, ऊपर से प्याज काट रहे हैं, इन्होंने वैसे ही रोना है और लोगों को लगना पता नहीं क्या बात हुई, बिल उंटी रोते रोते बातें कर रहे थे। मैं तो जो रो रो के बुरे हाल होता है ना प्याज काटने से बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं च्युइंगम खाओ तो नहीं होता, ये करो वो नहीं होता, पर मेरे को कोई चीज असर नहीं करती, पानी बहुत ज्यादा आता है। तो नहीं, वैसे आप जब बीमार होते हो तो क्यों इतना खाते हो? मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ कि तू मुझे कष्ट दे रहा है, मैं तुझे कष्ट दे रहा हूँ। शरीर को थोड़ी, आपको मुझे कष्ट देती है। पहले कूड़ा खाया था ना, कूड़े के बाद रोटी खाई, चावल खाए, मैंने नहीं खाया था। अभी रात का 12 का टाइम हो चला है, चाट तो गोलगप्पे चाहिए। अभी इनको बाद में इन्होंने बोला मैंगो शेक भी चाहिए, मैंगो शेक मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा ठंडा होने चाहिए। बस इतने खाने थोड़ी ना, मैं दो अपने लिए अलग से निकाल दो। अच्छा दो, एक मेरा एक मम्मी का है ना। हाँ। मुझे तो खुद भूख लग गई, वैसे मैंने तो अभी तक कुछ नहीं खाया। मनी तो मोटा होगा होगा, हम कोई मोटा करेगा खिला खिला। आपको पतला कर रहा हूँ मम्मा, काम दे दे के। चलो ये तो हो गया, ऐसे मैं बात आपकी फॉलो करती हूँ। कभी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो मुझे, मैं ना करूँगा, वो देख रहे पहले करें, प्लीज करना जरूर। किसी ने पूरी खानी है तो बता दो मैं बना दूँ। मैंने खानी है साक्षी, वो बना चप्पे। क्या चप्पे? वो जो तेरी मम्मा बनाते हैं। वो क्या होता है? साक्षी बनाती है ना, जो कहती है कि टिक्के टिकड़े टिकड़े। हाँ मम्मा, आपको मम्मा के घर जाके खिला दूंगी, मम्मा के आगे खिलाएंगे आपको। इस बार मैंने जाना ना मम्मा के यहाँ, जब तो फिर आप मुझे छोड़ने जाना, मम्मा को बोलूंगी बना के रखना। फिर मैं भराए भाई, वो टिकड़े नहीं खाने जो वाइफ को छोड़ना पड़े। नहीं मैं जाऊंगी इस हफ्ते, जाऊंगी सैटरडे को सोच रही हूँ, रात को जाऊंगी, संडे को आ जाऊंगी। मैंने ब्लॉग में पता क्यों नहीं आ रहा, कह रहे मैं तैयार नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद बोलोगे केले भी डाल देते हैं, केले डाल देते हैं। ये लो आपके लिए, अपनी तरफ कैमरा करोगे? नहीं नहीं, मेरा ठंडा। अरे ठंडा लगा नहीं,
तो अभी हम करते हैं इसका एंजॉय, जो फाइनल बनेगा वो मैं आपको दिखा दूंगी। अब मिलते हैं आपको कल सुबह, बाय बाय। The next day. मैंने क्या निकाल रही है शूज में से? ये देखो मेरे शूज में होल बना हुआ है, कहीं जा रहा होगा पथरीली जगह पे, यहाँ पत्थर पड़े होंगे, यहाँ पे वो पत्थर अंदर फंस गया। आप निकाल लो, ये मुंबई का पत्थर है, कहीं तो गए थे हम, है ना, जहाँ पे रह गया ये। पता क्या, ये शूज का मुझे आज बेनिफिट पता लगा। क्या? जहाँ झगड़ा हुआ, आपको कोई चोर आ गए या कोई दुश्मन आ गए मारने के लिए, आप इधर से पत्थर निकालो और उन पे मार दो। अब मनी की तैयारी हो रही है, मनी जा रहे हैं शादी पे, तो चलो एंजॉय करके आना, बाय बाय। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आ गए शादी से। अभी जैसे कि आप देखो, आप जैसे हमारा ब्लॉग देख रहे हो ना, हम ऐसे सावधान इंडिया देखते हैं। हाँ। और मम्मा आपको याद है कि हम पिछले साल, पता नहीं उससे काफी टाइम पहले, हम सावधान इंडिया कितना देखते थे, हम कोई एपिसोड मिस ही नहीं करते थे। फिल्मों से ज्यादा हमें सावधान इंडिया पसंद। कितने बजे आता था मम्मा सावधान इंडिया पहले? 10 बजे। रोज, मतलब हमने रिकॉर्डिंग पे लगाए हुए थे सारे रिपीट वाले, हमने रिपीट वाले सारे सावधान इंडिया रिकॉर्डिंग पे लगाए हुए थे। और उसमें क्या होता था, 10 बजे आ रहा है, सुबह 9 बजे आ रहा है, फिर शाम को भी आ रहा है, हम सब देखते थे, मतलब मिलके इतना ज्यादा, इतना सावधान इंडिया देखते थे। एक बार क्या हुआ, हमारे मुंबई वाले घर पे एक डायरेक्टर आए, हाँ। वो सावधान इंडिया शूट करते थे कुछ एपिसोड्स होते हैं, कुछ एपिसोड अलग अलग कंपनीज होती है। उन्होंने हमें बताया ना, जब कहते हैं कि आपको, हमने उनको बोला कि देख लो कैसे कैसे लोग हैं, कहते नहीं ये तो हम कहानियां बनाते हैं, ये काल्पनिक होती हैं। उन्होंने ये नहीं बोला था, हाँ, उन्होंने ये बोला था कि ये जो स्टोरीज होती है ना, बहुत सारी रियल होती हैं, लेकिन कुछ क्या होता है कि हमें उसमें ना मसाला डालना पड़ता है, समझो कि उसको थोड़ा सा ज्यादा दिखाना पड़ता है, तभी ऑडियंस देखेगी। मसाला मैं समझ गया कौन सा होता था, जैसे पता लगा कि नौकर रानी उनके घर पे चोरी करके ये मसाला खुद डाल देते हैं, बाबूजी पानी लेंगे। बाबूजी और बाबूजी गलत। आप बताओ कि ये वाले बाबूजी को वही अच्छे लगते थे ना, कि यार ये सीन बहुत अच्छा है, ये वाला सावधान इंडिया तो मस्त है। है ना मम्मा? मम्मी मम्मी ने तो कहना शुरू कर दिया था, मनी तेरी फेवरेट वाली वो लड़की का ना सावधान इंडिया है, है ना, वो नहीं हम बताएंगे कौन है फेवरेट। वो एक दो लड़कियां तो इतनी मेरी फेवरेट हो गई थी, वो कतली करती थी ज्यादातर, पर फिर भी मुझे अच्छी लगती थी, यार यार अच्छी बड़ी है यार लड़की। तो मतलब अभी वो आती नहीं है ना सावधान इंडिया में, अभी तो अभी हम नहीं देखते ना सावधान इंडिया। अच्छा, अभी मम्मा ने सावधान इंडिया नहीं, अभी कुछ और चैनल पे भी ना आने शुरू हो गए ना, मम्मा वो देख रहे हैं। तो अभी हम लोग फ्री बैठे थे, आप शादी पे गए थे तो हम लोग वही देख रहे थे। तो चलो फिर हम मिलते हैं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने ये बोला ना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक। आप मम्मा को बोल रहे हो, इधर मैं भी यही करी थी, क्यों उसके बाद तेरे पे आना था, मैंने तेरे को भी बोलना था। मैं खुद से शर्मिंदी हो गई कि यार मैं भी तो वही कर रही थी यार, हर किसी को आपने बोल दिया छोटी सी ब्रेक, मैंने भी बोलना था, मम्मा ने भी बोलना था, जब हम तीनों ब्लॉग में दिख रहे हैं तो आप अकेले क्यों बोल रहे हैं? जिस हिसाब से हमने बोला था ना, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, वो ये टाइम खा रहे हैं। चलो दोस्तों, अभी सच्ची मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।